बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसकी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को आज कनेक्टिविटी की इशू आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कोई दिक्कत ना हो कल को जी समझने में, क्योंकि 80-90% चांस है ये पेपर में आने की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वैल्यूज चेंज हो सकती है, जैसे 600 की जगह पर कुछ और आ गया, इसकी जगह पर कुछ और आ गया, डिस्टेंस कुछ और आ गया, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गए, सोल्यूशन कैसे करना है वो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है, एक गन बैरल ऑफ मास 600 kg। तो मास इज गिवन, मास इज 600 kg एंड रिक्वायर स्ट्रिंग स्टिफनेस 294,000 N/m। स्ट्रिंग स्टिफनेस के इज गिवन 294,000 N/m। तो ऑब्वियसली अगर न्यूटन पर मीटर में कोई भी चीज़ गिवन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो वो के ही होगी, स्प्रिंग स्टिफनेस ही होगी। इफ़ द बैरल रिक्वायर्ड एट डिस्टेंस 1.3, इनिशियल जो डिस्टेंस है रिकॉयल का, इनिशियल रिकॉयल डिस्टेंस स्टार्टिंग वाला जो एक्स है, दैट इज़ 1.3 मीटर। तो व्हाट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, डिटरमाइन द रिकॉयल वेलोसिटी, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स डॉट इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी। फर्स्ट हमने ये फाइंड आउट करनी है रिकॉयल वेलोसिटी। सेकंड इज क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, मीन्स सीसी। सेकंड पार्ट इज सीसी, व्हिच इज रिक्वायर्ड सीसी। थर्ड इज द टाइम रिक्वायर्ड, जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है फॉर द बैरल टू रिटर्न टू इट्स पोजिशन ऑफ 5 cm फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। थर्ड हमने टाइम निकालना है कब, जब हमारा एक्स कितना होगा, इनिशियली एक्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 5 cm। इसके लिए हमने टोटल टाइम निकालना है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं हम, फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट हम फर्स्ट करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द, किसके लिए हमने एक्स डॉट कैसे निकालना है। तो हमें पता है, फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्स डॉट इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैरल, कंडीशन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैरल बैरल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है जी। स्प्रिंग में हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो बैरल की मूवमेंट होती है, जहाँ पे मूवमेंट होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, मूवमेंट वाली, दैट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² m, v को हम वाइब्रेशन में x डॉट स्क्वायर लिख रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये हमें ऑलरेडी पता है 1/2 की x स्क्वायर होती है। यहाँ से हमने एक्स डॉट की वैल्यू निकालनी है, एक्स डॉट की वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स डॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1/2 कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर अपॉन एम। तो वैल्यू ऑफ के इज कितनी आएगी, 294,000 एक्स, इनिशियली एक्स इज गिवन, दैट इज 1.3 मीटर, 1.3 ये सब मीटर में रहेंगे, इसका स्क्वायर अपॉन एम, मास इज 600 kg, 600, और इसको बाय सॉल्विंग दिस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एक्स आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 28.77 m/s। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट हमने निकालना है, दैट इज़ क्या था, कोफिशियंट ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग, कोफिशियंट ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग मीन्स सी सी इज रिक्वायर्ड। हाउ डू वी कैलकुलेट सी सी,
सीसी के लिए वी नो फॉर्मूला सी सी अपॉन टू एम इज इक्वल टू अंडर के बाय एम, ये हमने ऑलरेडी जब डेरिवेशन की थी तो हमने ये फॉर्मूला किया था। यहाँ से सीसी की वैल्यू हो जाएगी 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर के बाय एम से, तो सीसी की वैल्यू आ जाएगी 2m को अंदर ले गए तो एम स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू एम स्क्वायर, ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर लेके जा रहे हैं तो वही गेट द फॉर्मूला 2 अंडर रूट के एम बाय पुटिंग द वैल्यू k is 294,000 न्यूटन पर मीटर और m is 600 kg, वी गेट द वैल्यू ऑफ सी सी दैट इज 26, ये बेटा कैलकुलेटर में आपने कैलकुलेट करना है 26563 न्यूटन सेकेंड पर मीटर द वैल्यू ऑफ सी सी। क्लियर है बेटा, होप आपको क्लियर होगा ये। अब अगला पार्ट करते हैं। हाँ जी, अगले पार्ट के लिए, हाँ जी थर्ड पार्ट है, आपने टाइम निकालना है रिकॉयल करने के बाद कितना टाइम लगेगा रिकॉयल में, ठीक है जी। टाइम निकालने के लिए पहले हम ओमेगा एन निकाल लेते हैं, आगे यूज़ होगा। ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ठीक है जी। के इज हमारा 294,000 नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, मास इज 600 के जी, इसको डिवाइड करके अंडर रूट करेंगे तो वी गेट 22.1, तो यूनिट आएंगे रेडियन पर सेकंड में, ठीक है जी, रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। उसके बाद हमने निकालना है टाइम पीरियड, पहले हम टोटल टाइम पीरियड निकालते हैं। टोटल टाइम पीरियड, टाइम का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा एन 2 पाई अपॉन 22.1, तो जो भी आएगा सेकंड में आएगा 0.283 सेकंड, ठीक है जी। तो अब मेरे को एक और टर्म आपको याद रखनी है, हमें पता होना चाहिए टाइम टू रिक्वायर, टाइम फॉर रिक्वायर इज हमेशा क्वार्टर साइकिल में रिक्वायर होती है गन, बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा। टाइम जो हमेशा जो है गन जो रिक्वायर रिक्वायर होती है क्वार्टर साइकिल में, क्वार्टर साइकिल में 1/4 टाइम फॉर रिक्वायर, टाइम फॉर रिक्वायर रिक्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टू टाइम इनटू टी, तो 1/4 ऑफ 0.283 करेंगे वी विल गेट टाइम फॉर रिक्वायर 0.071 सेकेंड, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। इसके बाद अब हमें पता है जो गन्स होती हैं वो क्रिटिकली डैम्ड होती है, क्रिटिकली डैम्ड मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं गन्स को, तो उसके लिए हमारी जो सोल्यूशन है फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग जो हमने ये डेरिवेशन में भी किया था, क्रिटिकल डैम्पिंग केस में x इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू टी ई रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा एन टी, ये हमारी कैलकुलेशन थी डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। तो यहाँ पे हमें a1 a2 की वैल्यू निकालनी है और बाद में x की वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू जो उसने दी थी, x की वैल्यू इनिशियल कितनी दी थी जो हमने टाइम निकालना है 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर पे t की वैल्यू निकालनी है, वो हीट एंड ट्रायल से निकलेगी। इस इक्वेशन में हमें a1 a2 ये जो रिक्वायर्ड है, a1 a2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन से, तो इनिशियल कंडीशन हम लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन क्या है जब स्टार्टिंग वाली एट x इज इक्वल टू 1.3, ठीक है जी, x हमारा 1.3 है इनिशियली, और x डॉट क्या होगा 0 होगा एट t इज इक्वल टू 0, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियल कंडीशन है। इसको हम रिक्वायर करते हैं यहाँ पे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैरल टू टर्न टू इस पोजिशन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, बट यहाँ पे इनिशियल पोजिशन क्या थी, इफ द बैरल रिक्वायर 1.3 मीटर फाइन, यहाँ पे 1.3 यहाँ से लेना हमने, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.3 मानेंगे जब टाइम t इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारी हम वहाँ से टाइम t 0 मान लिया है जब रिक्वायर होनी है, ठीक है जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से a1 a2 की वैल्यू निकाल ली है। पहली कंडीशन लगाएंगे हम
x इज इक्वल टू 1.3, हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1.3, ठीक है जी। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 1.3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 और एंड t इज इक्वल टू 0, ये हमने t को 0 पुट करना है, t इज इक्वल टू 0 ई टू पावर माइनस ओमेगा एन इंटू 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1.3 a1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, a1 ई टू पावर 0 आ जाएगा प्लस ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ई टू पावर 0 होता है 1, वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू 1.3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, a1 इज इक्वल टू 1.3 आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यही इक्वेशन को। पहले मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, x डॉट निकालेंगे, x डॉट निकालना है। तो a1 ई रेस्ट पावर ओमेगा टी, ई रेस्ट पावर ओमेगा टी का बन जाए, ई रेस्ट पावर ओमेगा टी बन जाएगा, इसको फर्दर करेंगे माइनस ओमेगा एन आएगा साथ में, ठीक है जी। प्लस a2, अब यहाँ पे देखो u इंटू वी का फार्मूला है, टी ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा एन टी, u फर्स्ट फंक्शन करेंगे फिर उसको डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये a2 मैं ब्रैकेट में लिख के फर्स्ट फंक्शन में कर रहा हूँ, तो t को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, फर्स्ट में e को कर रहा हूँ, ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा एन टी, और ब्रैकेट में साथ में आएगा माइनस ओमेगा एन फर्दर करके, प्लस अब इसके साथ अब e की कर दी मैंने, t की 1 होगी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आ गया ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा एन टी, ठीक है जी। अब यहाँ पे x डॉट की वैल्यू हम कंडीशन लगाएंगे t इज इक्वल टू 0, x डॉट इज इक्वल टू 0, एक्स डॉट को 0 पुट किया, ठीक है जी, 0 पुट किया तो a1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.3, तो यहाँ पे आ गया a1 इज 1.3 ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी, ये ई रेस्ट पावर 0 हो जाएगा t की पावर 0, ओमेगा एन की वैल्यू अभी हमने निकली है, ओमेगा एन की वैल्यू है 22.1 माइनस 22.1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, a2 ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा एन टी बचेगा, a2 ई रेस्ट पावर 0 बचेगा, टी इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ a2 इज 28.7, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ a2 यहाँ से आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन क्या बन गया, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन गई, द इक्वेशन ऑफ मोशन, सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू a1 इज 1.3, a2 इज 28.7, साथ में t e रेस टू पावर यहाँ पे आएगा माइनस 22.1, ओमेगा t है ना, 22.1 इंटू टी, ये जनरल इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है t की, जब x हमारा हो, x कितना था हमारा, कहाँ पे बचाना है हमने, देखो x 5 सेंटीमीटर पे, क्वेश्चन था 5 सेंटर पे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे। तो x की वैल्यू हमने t निकालना है जब x की वैल्यू हो 0.05 मीटर, 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में ले रहा हूँ, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t, जो भी आंसर आएगा t प्लस 1/4 वाला टाइम ऐड करके, दैट इज़ द टोटल टाइम जो आएगा रिकॉयल वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, सारी वैल्यूज अलग करके, टी की वैल्यू हीट एंड ट्रायल से आएगी, टी की वैल्यू हम 0.1 से शुरू कर लेंगे, यहाँ रखता हूँ टी की वैल्यू, और यहाँ पे ये वैल्यू 1.3 प्लस 20 ब्रैकेट के अंदर है 28.7 इंटू टी, अगली वैल्यू रखूँगा ई रेस्ट पावर माइनस 22.1 इंटू टी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ये सभी को करके एक्स की वैल्यू जो आ रही है 0.1 पुट करेंगे, यहाँ पे 0.1 पुट करेंगे वी विल गेट 4.17, और ई रेस्ट पावर करेंगे 0.11 आ जाएगी, 0.1 पुट करके यहाँ पे एक्स आएगा 0.460,
फिर 0.2 पुट करेंगे, 7.05 आ जाएगी इस टर्म की वैल्यू, 0.012 आएगी और 0.085। यहाँ पे 0.05 लाना है, ये चीज़ 0.05 लाना है यहाँ पे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा टी होगा। तो बस 0.21 पुट करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे 4.6 थी, यहाँ पे वैल्यू है 8 है, इसकी नियर अबाउट आएगी। 0.05 चाहिए ना, 0.08 आएगी इसके इर्द गिर्द चाहिए। इसका मतलब इसको मैं 2 के बाद फिर फर्दर कर दूँ, 2.1, 2.3, 2.2 कर दूँ, देखते हैं क्या आती है वैल्यू। 7.33, 0.0096, 0.071। देखो 8 से और कम आ गई, 7 आ गई। अब 0.22 पुट करके देखते हैं, पुट करके देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे सारी, तो 7.63 आ जाएगा, 0.0077 आ जाएगा, 0.049। देखो 0.049 आ गया, एक्स की वैल्यू 0.05 है, इसका मतलब यही रिक्वायर्ड टाइम है टी की वैल्यू। तो हमारे पास टी जो है अप्रॉक्सीमेटली, टी कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज 0.22 सेकेंड। ठीक है जी, ये टाइम आ गया। तो टोटल टाइम क्या आएगा, टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड वाला जो हमने रिक्वायर्ड था, ये जो टाइम है प्लस जो हमने 1/4 करके जो निकाला था 0.071, आंसर है 0.29 सेकेंड। अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें इसको, जो गन है हमारी ऐसे करके फायर होता है, उसके बाद अगली बार रिक्वायर करने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम लगाता है रिक्वायर करने के लिए। ठीक है जी, एक तरफ यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे टाइम होगा। तो यहाँ तक जो टाइम लगा था 1/4 करके निकाला था 0.071 सेकेंड था ये था, और ये जो टाइम है अभी हमने निकाला है 0.22, ये टोटल टाइम होगा टोटल गन का रिकॉइल करने के लिए। ये जो पोजीशन थी 1.3 थी, ठीक है जी, स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी 0.05 मीटर लेके चले थे, यहाँ तक हमने इसको ऑप्टिमाइज किया है 1.5 तक। ठीक है जी, दिस इज द आंसर। होप आपको क्लियर होगा।